डू यू थिंक कभी कोई टेररिस्ट आउटलास्ट कर सकता है या बीट कर सकता है एक मार्को ऑफिसर को? नो, कांट, पॉसिबल ही नहीं है. कोई वेल ट्रेंड, कभी कितना भी ट्रेंड हो जाए, चाहे स्पेशल फोर्सेस का ट्रेंड किया हो, बीट नहीं कर सकता. क्यों ऐसे? क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड, बहुत ज्यादा है, हैवीली ट्रेंड, मतलब बहुत ज्यादा, पॉसिबल ही नहीं किसी की, पॉसिबल नहीं है. तो फिर 2611 में क्या हुआ था? 2611 लोग कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक था, लेकिन जो मेरा पूरा अब तक का रिसर्च जो मैंने अब तक बैठकर किया है चीज़ों को लेकर, वो टेररिस्ट अटैक नहीं था, वो एक तरह का स्पेशल फोर्सेस का अटैक है. जो मोड उनके थे वो एक स्पेशल फोर्सेस की तरह है पूरा. जैसे क्या? मोड ऑफ ऑपरेंडिंग हम लोग कहते हैं ना, वो बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस की तरह थे. जैसे क्या आपको लगा? तीन चार पॉइंट्स बताओ जिसकी वजह से आपको लगा कि टेररिस्ट नहीं, स्पेशल फोर्सेज का काम. कौन सी स्पेशल? ट्रेनिंग उनकी स्पेशल फोर्सेज की थी. मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पेशल फोर्सेज के थे या वो एसएसजी के थे, स्पेशल सर्विस ग्रुप जो पाकिस्तान का, उसके बंदे थे, नहीं. ये मैं कंफर्म नहीं हूं, बट मैं ये कंफर्म हूं अपनी तरफ से कि ये जो टेररिस्ट अटैक था ये नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था, स्पेशल फोर्सेस जैसे अटैक करती हैं वो उनके द्वारा ट्रेंड किए हुए थे. पूरा का पूरा जो उन्होंने जिस तरह से टारगेट को लिया और जिस तरह से उनको उनके मूवमेंट्स थे, आप देखिए हर जगह पर बड्डी पेयर है, हर जगह पर. कहाँ पर नहीं है बताइए मुझे. जो CST पर हमला हुआ कौन कौन थे? दो थे. नरीमन हाउस कितने थे? दो थे. ट्राइडेंट में कितने थे? दो थे. लियोपोल्ड में कितने थे? दो थे. ताज में कितने थे? पहले दो गए डायरेक्ट, पहले दो गए, फिर दो जो लियोपोल्ड वाले थे दो गए, तो कितने. ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हमेशा स्पेशल फोर्स यूज करती है, दो दो का, बड़ी पेयर का. और बड़ी पेयर कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड ना तो नॉर्मल आर्मी यूज करती है और ना ही कोई टेररिस्ट ग्रुप इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करता है.